रतन व्यास के बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो भी मौजूद रहे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतसर के बाबा सत्संग राधा स्वामी सत्संग व्यास का दौरा किया और हमारी संवाददाता आकांक्षा सक्सेना हमारे साथ एक बार फोन लाइन पर फिर से जुड़ी हुई हैं। इस रसोई घर का दौरा किया है प्रधानमंत्री ने, किस तरह से इसके बारे में जानकारी देंगी, कितनी वृहद कितनी बड़ी रसोई घर है ये? ये रसोई घर का, यहाँ तीन रसोई घरों का जो है अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरिंदर सिंह ढिल्लो जी जो डेरा प्रमुख है उनसे मिलने के बाद दौरा किया था। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर 50,000 लोग एक साथ खाना खा सकते हैं और यहाँ पर वैसे तो सब कुछ ऑटोमेटिक है कि खाना अपने आप बनता है, सब कुछ है, पर फिर भी यहाँ पर जो लोग संगत आती है, जो अनुयायी आते हैं, वही लोग सेवा करते हैं। और मैं एक बहुत दिलचस्प बात आपको बताना चाहूंगी निखिल, की जब ये सब लोग एक कम्युनिटी किचन जो है उसमें काम कर रहे होते हैं तो वो आपस में बात नहीं करते हैं, वो जो है शब्द गाते हैं और शब्द गाते हुए जो है वो काम करते हैं ताकि वो पूरी एकाग्र होकर जो है खाना बनाए और एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो वाइब्रेट करे उनके आसपास। और इसी तरीके से जो है यहाँ पे खाना बनाया जाता है और कोई भी आपस में बात नहीं करता, टाइम वेस्ट नहीं करता, पर गुरु का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और खाना बनाते हैं। तो आज जो है ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है मिलने के बाद जो है ये एक जो पूरा ये जो लंगर हॉल है यहाँ पर इसका दौरा किया और कोविड के टाइम पे भी जो है हर जगह भारत में जहाँ जहाँ पर भी डेरा है, राधा स्वामी डेरा है, सत्संग भवन है और यहाँ से भी लोगों को खाने के फूड पैकेट प्रोवाइड करे गए थे। तो एक बहुत बड़ा ये इनके पास सेटअप है जहाँ पर इतने लाखों लोगों को खाना खिलाया जा सकता है। निखिल जी, निश्चित तौर पर, और भोजन कराना हर धर्म में बहुत ही जिसको कहते हैं कि बहुत ही पवित्र काम और बहुत ही बेहतर काम माना जाता है। आपने जिस तरह से बताया कि एक समय में 50,000 लोग भोजन कर सकते हैं, किस तरह से ये जो एक कम्युनिटी सर्विस के लिए भी है, 50,000 लोग भोजन करते होंगे तो तमाम ऐसे लोग ज़रूरतमंद भी होंगे जो जिनको दो वक्त का भोजन जिनके लिए एक बड़ी बड़ी चीज़ होती होगी, तो इस लिहाज से भी एक बड़ी बड़ी सर्विस का, बड़ी सेवा का काम कर रहा है राधा स्वामी व्यास सत्संग। जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो पैसे नहीं खर्च कर सकते उनको खाना प्रोवाइड किया जाता है इस लंगर सर्विस के थ्रू। और कोविड के टाइम पे भी 12.5 लाख फूड पैकेट जो है रोज जो है यहाँ से जाते थे जो लोगों तक पहुँचाए जाते थे। तो आप इतनी बड़ी तादाद में लोगों को अगर खाना मुहैया करा रहे हैं और अगर सब्सिडाइज्ड रेट पे भी यहाँ पे खाना अवेलेबल होता है, सिर्फ मात्र 35 रुपए के आप पर पेट खाना खा सकते हैं। और उसके अलावा कुछ एक जगह इन्होंने आइडेंटिफाई करी हुई है जहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो खाना प्रोवाइड किया जाता है, दाल रोटी सब्जी जो है वो। और बहुत बड़े बड़ी जो है किचन है निकल जो देखने में हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े बॉयलर्स लगे हुए हैं और सब कुछ ऑटोमेटेड है, कहीं भी हाथ का इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ जो रोटियां बेलने का काम है वो सारी जितनी भी संगत आती है यहाँ पर, जितनी भी फीमेल संगत आती है वो बैठकर जो है रोटी बना रहे होते हैं। और जिस हॉल में रोटियां बन रही है उसके अगर आप पास से गुजरेंगे तो शब्द आपके कानों में पड़ेंगे, एक कोरस में जो है एक शब्द और एक पॉजिटिव एटमोस्फियर आपको बहुत अच्छा लगता है। आप देखते हैं कि इतना सारे लोग एक साथ एक ही काम कर रहे हैं और कोई कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं, एक ही ध्वनि में जो है वो शब्द सुनाई दे रहे हैं। तो एक बहुत पॉजिटिविटी और एक बहुत पॉजिटिव एटमोस्फियर क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। और वैसे भी जैसे ही आप इस डेरे के अंदर आते हैं तो इतनी साफ सफाई, इतना सुशासन है हर चीज के लिए, हर कहीं पर भी आपको एक कण गंदगी का नहीं मिलेगा, बिल्कुल स्वच्छता का इतना ध्यान रखा गया है, सब कुछ ऐसा लगता है कि अभी पेंट हुआ है। तो ये सब कुछ जो है यहाँ के फॉलोअर्स ही आगे कर रहे हैं, कोई भी आदमी बाहर से नहीं आता है, ये सब लोग जो यहाँ इस पे विश्वास रखते हैं डेरा में
वही आकर जो है ये सर्विस करते हैं, कमेटी सर्विस करते हैं निखिल जी। ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर जुटी हुई हैं। दरअसल ये जो किचन जो देख रहे हैं ये बहुत बड़ा हॉल है, और जैसा कि आपने बताया कि अगर 50,000 लोगों के लिए खाना तैयार करना है तो जाहिर तौर पर इसकी इसका जो विस्तार है वो बहुत व्यापक है। हम बड़ी संख्या में महिलाओं को देख रहे हैं जो रोटियां भी बना रही हैं, कुछ लोग सब्जियां काट रही हैं। तो किस तरह से ये निर्धारण किया जाता है, क्या रजिस्टर कराते हैं लोग अपने आप को यहाँ सेवा करने के लिए, या कोई सिस्टम है, किस तरह से ये चलता है कम्युनिटी किचन? जी बिल्कुल, यहाँ पर आने से पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसके बाद आपको जो भी ड्यूटी आप करना चाहते हैं वो आपको निर्धारित होती है, फिर उसी के हिसाब से आप वो ड्यूटी अपनी करते हैं। और इस निर्धारित जगहों पर कोई आपकी ड्यूटी कहाँ पर होगी, क्या होगा, ये निर्धारण किया जाता है। और जब आप रजिस्टर करते हैं यहाँ रहने के लिए भी आपको पहले से ही रजिस्टर करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है यहाँ आना चाहते हैं। यहाँ पे सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट है अगर कोई भी आके यहाँ रहना चाहता है, और तो इसी वजह से पहले से रजिस्ट्रेशन करा के ही आना पड़ता है निखिल यहाँ पर जी। और आपने जो आप मुझे बता रहे हैं कि जैसे कि बहुत बड़ा हॉल देखा आपने जहाँ पे बहुत सारी महिलाएं जो है खाना बना रही हैं, ना सिर्फ खाना बनाने पर, हमने सुबह के टाइम जब हम यहाँ डेरा में आए तो हमने देखा कि महिलाएं जो है कुछ 5-6 महिलाएं एक सड़क पे झाड़ू मार रही हैं, कुछ लोग जो है वो घास काट रहे हैं। तो यहाँ पर सभी लोग जो यहाँ पे रहते भी हैं, कुछ 12,000 से करीब लोग जो अंदर भी रहते हैं यहाँ पर डेरा में, और उसके अलावा लाखों की तादाद से लोग जो है आती भी हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी क्योंकि 50,000 लोग एक बारी में खाना खाते हैं, पर यहाँ पर 50,000 से ज्यादा लोग भी खाना खाते हैं, तो एक बारी में एक साथ 50,000 खा सकते हैं। तो यहाँ लाखों लोग खाना खाते हैं, लाखों लोग जो है यहाँ पर आके उनको किसी भी तरीके की अगर मदद की जरूरत होती है तो वो प्रोवाइड की जाती है। और बहुत ज्यादा कम्युनिटी सर्विस अच्छा है, इसलिए ही ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने का जो मेरे ख्याल से उसका रीजन था वो भी यही था कि इतने बड़े लेवल पर अगर लोग कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं रिकग्निशन और उसको अप्रिशिएट किया जाए। इसको देखते हुए, इतनी पॉजिटिविटी को देखते हुए, और फिर प्राइम मिनिस्टर की विजिट दोबारा से होना यहाँ पर बहुत अच्छा मैसेज देती है निखिल, लोगों के अंदर एक बहुत अच्छी एक वो मैसेज आता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो अच्छे काम को फिर रिकग्नाइज कर रहे हैं, तो वो आके दोबारा से सराहा रहे हैं उन लोगों को जो इस तरीके की कम्युनिटी सर्विस लोगों को इकट्ठा करके और इस तरीके से अनुशासन में और इतनी निष्ठा से जो काम कर रहे हैं उसको बढ़ावा देने के लिए उनका आना बहुत ही सराहनीय, लोगों को बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे। जी निश्चित तौर पर, हमने जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों के साथ में जो आत्मीयता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिख रही है, जो बॉन्डिंग दिख रही है, वो निश्चित तौर पर बहुत कहानी अपने आप में बयां करती है, बहुत सारे दृष्टांत अपने आप में बयां करती है। किस तरह से इस एसोसिएशन को देखती हैं आप? जी गुरिंदर सिंह ढिल्लों जो है वो पहले भी मिल चुके हैं और वो उससे पहले भी लोगों से और प्राइम मिनिस्टर से मिल चुके हैं, तब भी उन्होंने उनको बहुत अच्छा लगा था जब प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आए थे। और उसके अलावा जो वो काम कर रहे हैं इसमें उनको और सराहना मिलती है, उनको और प्रोत्साहित होते हैं वो अपने जो भी काम कर रहे हैं पॉजिटिव, उसके पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं मैंने आपको बताया जैसे कि, और यहाँ पे फॉलोवर सिर्फ पंजाब से ही नहीं आते हैं, यहाँ फॉलोवर्स ऑल ओवर इंडिया से आते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा सेंटर है। राधा स्वामी सत्संग प्रयास का जो सेंटर है वो मेन सेंटर है इंडिया का, और यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे लोग आते हैं। तो एक मैसेज जो है वो पूरे हिंदुस्तान में जाता है, और जिस तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है, जिस तरीके का ये परिसर है, जिस तरीके से ये डेरा चल रहा है, वो अपने आप में ही एक एग्जाम्पल है, एक लिविंग एग्जाम्पल है, और बहुत ही ये सुशासन ही है। और एक डेरा प्रमुख जो है
वो इतने सारे देवताओं को जो दे रहे हैं ऑल अक्रॉस इंडिया अब्रॉड जो है, और उनके यहाँ प्रमुख जो है उनकी सारी बातें मानी जा रही है, उनकी टीचिंग्स को फॉलो किया जा रहा है, जो स्पिरिचुअल टीचिंग्स है उनकी, और वो ध्यान लगाने की बात करते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा काम अच्छा कर्म कीजिए। तो ये सारी टीचिंग्स जो है ये बहुत पॉजिटिव एक मैसेज जो है डिलीवर करती है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए उससे भी जो है ये लोग काफी प्रभावित हुए, इनको बहुत अच्छा लगा। और जहां मैं देख रही थी कि सुबह से ही लोग तैयारियों में जुटे हुए थे और अपना जो भी काम जिसको भी दिया जा रहा था वो पूरी निष्ठा के साथ कर रहे थे। हमें हर जगह पे पहले हर एक आदमी जो उससे भी हम मिल रहे थे वो ग्रीट कर रहे थे हमें और बहुत अच्छे से वेलकम कर रहे थे, क्योंकि उनको मेरे ख्याल से यहाँ पे आज उनका आना जो था वो बहुत इसी तरीके से उन लोग बता पा रहे थे कि वो कितना खुश है कि प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ पर।